प्रथम तहलका न्यूज। रविवार की शाम को जेएनयू में हुए नकाबपोश युवकों के हमले के बाद राजनीति गर्मा चुकी है। कई राजनीतिक दलों के लोग जहां एम्स पहुंच रहे हैं, वहीं कुछ राजनेता जेएनयू भी पहुंच रहे हैं, लेकिन छात्र उनका जेएनयू यूनिवर्सिटी में घुसने पर विरोध कर रहे हैं, या ये कहें उन्हें यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद अलग अलग राजनेता इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं जेएनयू कांड के ऊपर अब हरियाणा के गृह मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि जब जब शिक्षा के मंदिर में राजनेता घुसते हैं तब तब वहां खराबा होता ही है। अनिल विज ने उदाहरण देते हुए कहा कि चाहे वह भारत तेरे टुकड़े हो गैंग की बात हो या फिर अब जेएनयू यूनिवर्सिटी के छात्रावास के अंदर तोड़फोड़ की बात हो, हमेशा राजनीति इस पूरे मामले में हावी रही है। उन्होंने कहा कि चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, जब तक ये जेएनयू में जाना अपना बंद नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही शिक्षा के मंदिर में खराबा होता ही रहेगा। देखिए, जब भी शिक्षा के मंदिर में राजनीतिज्ञों का प्रवेश होगा वहां पर खराबा होगा ही होगा। ये बार बार जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जहाँ और नेता जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ये सब उसका नतीजा है। वही लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें जेएनयू के अंदर छात्रों द्वारा महिला छात्रावास के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है। इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ युवक बल्कि कुछ युवतियां भी अपने चेहरे को नकाब से ढके हुए हैं और वो महिला छात्रावास में तोड़फोड़ करती साफ नजर आ रही हैं। बहरहाल, क्या ये केवल फीस वृद्धि का मामला है जिसको लेकर इतनी राजनीति हो रही है या फिर दिल्ली चुनाव का मसला? जो भी हो, लेकिन इस तरीके से शिक्षा के मंदिर में ये तोड़फोड़ कहीं भी जायज नहीं है। प्रथम तहलका के लिए दिल्ली से गौरव गर्ग।